हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित कुमार चौधरी आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में कि बोर्ड में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं पिछले 10 ईयर्स में जो कैपिटलाइजेशन मेथड से पूछे गए हैं या कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस हम करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग जैसा कि जानते हैं, पिछली बार भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों ने देख लिया था कि मैं अब आप लोगों को जितने भी मेथड्स मैंने कराए हैं उनके 10 ईयर्स के प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो इस लेक्चर सीरीज़ में मेरे बच्चा, मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन कराऊँगा जो 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड का ये क्वेश्चन है और बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, रिपीट हो के आया है। 2011 दिल्ली में आया था, फिर 2013 कंपार्टमेंट में भी इस क्वेश्चन ने दस्तक दी और फिर 2014 कंपार्टमेंट में फिर से ये क्वेश्चन आया, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर बोर्ड में आया है। तो देखते हैं क्या खास है इस क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड का है और साथ में आपने देखा होगा, क्वेश्चन को रीड आउट किया होगा, तो क्वेश्चन की दो दो डिमांड है मेरे बच्चा। 2011 में आया है, 2014 में आया है और 13 में भी आया है और 2014 में भी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इतने एग्ज़ाम में दस्तक दे चुका है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं मेरे बच्चा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है, अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड एंड सुपर प्रॉफिट मैथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि दोनों तरीके से क्वेश्चन मांग कर रहा है कि आपको कैपिटलाइजेशन मैथड से भी इसको करके दिखाना है और सुपर प्रॉफिट मैथड से भी आपको फिर इसको निकाल के दिखाना है। आगे क्वेश्चन कहता है, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रुपीज़ 1,80,000। मतलब जो बिजनेस की एसेट्स हैं मेरे बच्चा वो 10 लाख रुपए की हैं और जो उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी हैं वो 1,80,000 की है। आप जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने में ये हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो चलिए, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है हमारे लिए कि हमें इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, कैपिटलाइज मेथड से करना है। मैं कैपिटलाइज लिख देता हूँ, कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइज मेथड से हमें क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी जल्दी से कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल लेते हैं। बेटा आपने रीड आउट कर लिया होगा क्वेश्चन और नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो चलिए मैं सोल्व कराता हूँ। तो जल्दी से देखें क्वेश्चन में कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है मेरे बच्चा। हमें सबसे पहले निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हम, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन हम, सर देखेंगे एसेट्स कितने की दे रखी हैं। 10 लाख रुपीज़ की एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, हम वहाँ से माइनस कर देंगे नॉर्मल। क्या माइनस करेंगे नॉर्मल, सर कुछ नहीं होता, एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करेंगे 1,80,000 रुपये की। लेस करने के बाद में कितना आ जाता है मेरे बच्चा, 8,20,000। इसका मतलब जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 8,20,000, 8,20,000 रुपीज़ का निकल के आ जाता है। अब हम क्या करेंगे सर, हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन करना है, तो हमें याद होगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले निकाल लिया जो कि 8,20,000 आया। कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं मेरे बच्चा, हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हमें निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना आता है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आता है 8,20,000 का, कितना परसेंट दे रखा है, 10% गिवन है, दैट मीन्स 82,000। दैट मीन्स कितना नॉर्मली हम कमा रहे हैं, 82,000 हम कमा रहे हैं। उसके बाद नॉर्मली 82,000 कमा लेंगे हम, कमा रहे मतलब लोग कमा रहे हैं 82,000, लेकिन हम कितना कमाते हैं, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है, इतना तो नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल लेमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा या उस मार्केट में जहां मैं बिजनेस करता हूं वहां पे लोग जो बिजनेस करते हैं तो वहाँ वो लोग 8,20,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड करके 82,000 की अर्निंग कर लेते हैं। मैं कितने की अर्निंग करता हूँ जल्दी से देखो, गिवन है 1 लाख रुपीज़। कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ मैं कमाता हूँ, लोग 82,000 कमा लेते हैं मेरे बच्चा। दैट मीन्स मैं लोगों से कितना ज़्यादा कमा लेता हूँ,
1 लाख माइनस 82,000 दैट इज 18,000 मैं लोगों से ज़्यादा कमा लेता हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को करना है। कौन सा कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसलिए हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, अदरवाइज हम नहीं निकालते। तो क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का, जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इन 200। तो मेरे बच्चा 18,000 का सुपर प्रॉफिट था, रेट ऑफ रिटर्न 10% थी, तो इस तरीके से कितने की निकल के आई गुडविल, 1,80,000 रुपये की गुडविल इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। साथ में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की? सर ये तो आपने फर्स्ट से निकाल लिया, दूसरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की थी कि आप हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल के दिखाएं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं, केवल सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल के दिखाएं। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का तरीका क्या होता था सर? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ हम मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। सुपर प्रॉफिट आप अभी निकाल के आएँ तो दोबारा नीड नहीं है। बताइए कितना सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था? सर अभी निकाला था हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट 18,000 का, तो 18,000 में इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। जल्दी से देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा था, कितने के आधार पर बोल रहा था, 3 ईयर्स ऑफ परचेज की 3 साल के बेसिस पे हमें करना है। तो 18,000 इनटू 3 कितना आया मेरे बच्चा निकाल के, जल्दी से बताओ मुझे, 54,000। कितना आता है? 54,000। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जब हमने किया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से तो गुडविल आती है हमारी 1,80,000 की, जब हम इसको करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से तो मेरे बच्चा गुडविल आती है 54,000 की। ये क्वेश्चन 2011, 2013, 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 से 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन की वैलिडिटी होती है, 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में, और बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान आपको लगा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम आपको फर्दर और वीडियो देते रहेंगे, साथ में कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि 10 इयर्स हम आपको प्रैक्टिस करा के दें, तो फिर हम अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से, आपके सजेशन के हिसाब से, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो ज़रूर सजेस्ट करें और बताएं कि किस वीडियो पर आपको, टॉपिक पर आपके क्वेश्चन हम सोल्व करके दें, आपकी हम हेल्प कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ मेरे बच्चा इस कोरोना टाइम में घर रहें, सुरक्षित रहें, और एजुकेशन की टेंशन छोड़ दीजिए, अकाउंटेंशन की टेंशन, अकाउंटेंसी की टेंशन छोड़ दीजिए, और पढ़ते रहिए हमारे साथ अकाउंट्स हवेली के साथ, और अकाउंट से रहिए टेंशन फ्री। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।